नमस्कार मैम, आप बहुत वोकल रही हैं अबाउट सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड। आप ओपनली कह रही हैं कि ये आपके अनुसार सुसाइड नहीं है, क्यों कह रही हैं आप ऐसे? मुझे तो कहीं लगा ही नहीं कि ये सुसाइड है। हालांकि जितना मैंने इसके बारे में देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, आप सबके इंटरव्यूज देखने लगे, तब मुझे यकीन बढ़ता गया मेरा कि ये तो सुसाइड है ही नहीं, ये तो मर्डर है। और ये बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके मर्डर है। दो अलग अलग तरीके से उसको कॉर्नर करे जा रहे थे लोग, मे बी टू डिफरेंट टीम्स, वन टीम मे बी नॉट अवेयर ऑफ द अदर वन, मे बी। मैं कोई मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत गौर किया है। मुझे लग रहा था कि ये 22 दिन करीबन हो गया है, तो मुझे ये लग रहा है कि 22-23 दिन ऐसा कुछ हो गया, तो मुझे ये लग रहा है कि एक टीम उसको मलाइन करने में जुटे हुए थे और एक टीम कुछ मौका ढूंढ रहे थे, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि हर घटना, हर उसके पर्सनल इंटरव्यूज में देखती गई। और मैं ये बताना जरूर आपको चाहूंगी कि मैंने इंस्टाग्राम खोला है अकाउंट जो मेरे पास था नहीं, जो भी अकाउंट मेरे नाम से चल रहा था वो फेक है। तो मैंने पहली बार इंस्टाग्राम अकाउंट खोला जिस पर 2 or 3 फॉलोअर्स है। मैंने आज आपको भी फॉलो किया, कुछ दिनों से आपके बहुत सारे वीडियोस देख रही थी, पहले भी देख रहे थे जब आपके मैनेजर से बात हो रही थी, और आपके मैनेजर से बात होने से पहले भी मैं आपके वीडियोस, मुझे मिला था सुशांत के फैंस लोगों ने आपके वीडियोस मुझे भेजे थे, सोशल मीडिया में थे। सो मुझे आपसे बात करने का मैं नहीं जानती हूँ आप मुझसे कितना जानेंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत ज्यादा सवाल है। सो मैं इसलिए आपके साथ बैठने के लिए राजी हुई क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, तो वो कैटेगरी में मैं नहीं पढ़ती। आप बच्चों के साथ आप बहुत लाइवली हैं, बहुत चर्पी है, बहुत एनर्जी है। मैं सुशांत की बातों को आपको दोहरा रही हूँ दोबारा, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ और धीरे से बात करने वाली औरत हूँ। लेकिन आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज मैम। आपने सुशांत को करीबी से देखा है जी, आपने सुशांत के इंटरव्यूज किए हैं, मुझे 2 इंटरव्यूज दिखे हैं ऐसे, बिकॉज कपड़े अलग थे इसलिए मुझे 2 लगे, 2 or 3। कितने बार आपसे उनके इंटरव्यू हुए? मैम कम से कम 4 to 5 बार मिनिमम। इनफैक्ट सुशांत का पहला जो इंटरव्यू था, जो ब्योमकेश बख्शी के लिए था मैम, उनका पहला पीआर इंटरव्यू उनकी फिल्म, पहली फिल्म के लिए मेरे साथ था। मेरे साथ था जहां पर मुझे ये फीडबैक आया था कि देखो ये सहमा सा है थोड़ा सा, बट यू नो तुम्हारे साथ वो बहुत खुल जाएगा। तो मेरा पहला इंटरव्यू यानी उनका पहला इंटरव्यू एज अ मूवी स्टार मेरे साथ हुआ था मैम। अच्छा, देखो मैंने उसे ऐसे शूटिंग में, जैसे बालाजी के वहां हम शूटिंग करते थे, तो वहां मैंने उसको उसे 2-3 बार या 10 बार, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स, आई हैव मेट हिम। ही वाज अ वेरी डीसेंट चैप, अ वेरी शांत बच्चा, जो छोटे से हल्के से स्माइल किया करते थे, बहुत नमस्कार ऐसे करके, प्रणाम के साथ ऐसे बात किया करते थे। तो उसके बाद मैंने एक जी अवार्ड शो में मैंने उसको देखा, तो पवित्र रिश्ता चल रहा था, दे वर परफॉर्मिंग। सो मुझे जो लगा कि वो एक ऐसे अपब्रिंगिंग में बड़े हुए हैं जो ऐसी फटाफट में स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाता नहीं है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सही, ये मेरा रीडिंग था। मैं इसलिए आपसे इतना सवाल कर रही हूँ क्योंकि देखो हर लोग मुझे सवाल कर रहा है, लेकिन मैंने उसको बहुत करीबी से, बहुत दिनों से नहीं देखा, दूर से देखा है। और ऐसा नहीं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैन नहीं हूँ, मैं चले जाने के बाद उसका फैन बन गई हूँ, उसके फैंस को देखकर मैं फैन बन गई हूँ, उसके इंटरव्यूज सुनकर देखकर मैं उनके उसके फैंस के साथ जुड़ गई हूँ, मैं उसकी फैन नहीं रही हूँ। मुझे लगा कि आप उसको ज्यादा जानेंगे, आपके इंटरव्यूज कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ उसका हाइट क्या है। हाइट को लेकर कुछ सवाले हैं, वो आई थिंक सम इंटरव्यू में उसने कुछ हाइट बताया कि 178, शायद पुलिस ने बताया 178 cm, इट विल बी 5 feet 10 समथिंग, एंड ही हैड सेड दैट 183 cm, दैट इज अराउंड जस्ट 6 feet समथिंग, मे बी 6 feet 1 inch और 1/2 inch or whatever. What was your height like? What was his height like? Was he very tall? Yes, ma'am. He was pretty tall. Of course, I would say
कम से कम 5 फुट 11 या 6 फीट 1 का तो पक्का होगा, पक्का होगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे नॉर्मली वो, अच्छा एक और सवाल मेरे मन में घूम रहा है कई दिनों से, ये जो दोनों दो अलग अलग किस्म के घर के फोटोग्राफ दिख रहे हैं जिस घर में सुशांत लास्ट रहे, एक तो एक बंगलो किस्म का दिख रहा है और एक हाई राइजर दिख रहा है, कौन सा बंगलो में घर पे वो रहते थे जब उसका वो चले गए हमको छोड़कर? मैम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं मालूम कि वो उनका घर कैसा था, मैं घर कभी विजिट नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं इंटरव्यूज करता था तो मैं उनके पास जाता था इन टर्म्स ऑफ द शूटिंग फ्लोर या वो मेरे स्टूडियो में आते थे, पर जो मैंने सुना है कि वो एक डुप्ले में रहते थे, अ टू स्टोरीड अपार्टमेंट इज मैंने जो सुना हुआ है। हाँ बिकॉज न्यूज में अलग अलग जगह पे दो अलग अलग किस्म के वीडियोस निकल रहे हैं या देखने में भी बड़े इनकम्प्लीट, कोई भी अच्छे से पूरे चीज को जोड़ के नहीं दिखाए हैं। कुछ वीडियो में मुझे दिखा है डुप्ले दिखा है कुछ चैनल में, और कुछ जगह पे ऐसे कुछ बड़े ऊपर के घर से बाजू वाले बिल्डिंग से कोई फोटो ले रहा है, तो कौन सा फेक है कौन सा सच है या कौन सा एक्चुअली दूर से देखने में कैसा लग रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वॉज वंडरिंग आपको शायद जानकारी हो, तो डुप्ले मतलब आप तो बॉम्बे के हैं ना, आप तो वही रहते हैं? जी 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 बिल्कुल। तो आपके पास वो तो आप जानकारी रखेंगे ज्यादा के वो डुप्ले ही था, मतलब ठीक है वो कंफर्म था। तो जो बैंड्रा में जो बैंड्रा के जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, जो घरे होते हैं बैंड्रा के, बैंड्रा उस लोकेलिटी में, वैसे कहीं पे होंगे जहां से उसका सी और उसको ओपन स्काई ज्यादा दिख रहा होगा। करेक्ट। तो नॉर्मली बेड का हाइट और उसके हाइट मैच करा के सीलिंग में मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना हद तक ये क्वेश्चन मेरे मन में जो आ रहा है वो सही है? क्या सचमुच उसके हाइट वो जैसे थे, उसके जो बॉडी था जिस तरह से वो बाद में भी, आप जब उसके इंटरव्यूज किए, आप तो पहले इंटरव्यू की बात कर रहे, जब बाद में भी आपने उसके इंटरव्यू किया तब तो वो सक्सेसफुल हो गया था, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था उसके इंटरव्यू से मुझे पता चला। बहुत। तो आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में मुझे कुछ बताएंगे, एनर्जी के बारे में? 100% एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट वो ऐसा इंसान था हु यूज्ड टू कीप मी ऑन माय टोज एज एन इंटरव्यूअर। लोग कहते हैं मेरे पास एनर्जी है, होपफुली मैं विटी हूं, एंड मुझे वो मेरे टोज पे रखता था क्योंकि इतना शार्प माइंड, अगर मैं उसको कुछ भी फेंक दूं, मस्ती हो वो एक पंचलाइन वापस मारेगा, अगर मैं दिल से दिल बातें करूं वो करता है। इनफैक्ट वो ऐसा इंसान था जिसको इंटरव्यू करने से पहले अगर मैं कोई आर्टिस्ट के लिए 1 घंटा या 2 घंटा रिसर्च करूं उसके लिए मैं 3 घंटा बैठता था, क्योंकि मैं सोचता था अगर मैं इससे ये सवाल पूछूं बंदा जरूर जवाब कुछ देगा और मुझे स्टम्प करेगा। सो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली वेल रेड, एक्सट्रीमली खुश मिजाज एज फार एज आई नो ड्यूरिंग मूवी प्रमोशन टाइम। वो हार्डवर्किंग था, वो बहुत हार्डवर्किंग था ना? ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मूवी सेट्स पे तो गया नहीं हूं मैम, पर अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ जब मेरे स्टूडियो में आता था वो मुझसे ये तक पूछता था कि यार साउंड ठीक है ना सिद्धार्थ, ऑडियो ठीक आ रहा है ना, मेरा डिस्टेंस ठीक है ना कैमरा से, लुक अच्छा आ रहा है कि नहीं, यानी कि वो बहुत इन्वॉल्व था इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग। इनफैक्ट अगर मैं कुछ लाइनें भी उसको देता था प्रोमोस के लिए तो वो पढ़ता था, बोलता था अच्छा मैं ये थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, ये बेटर लगेगा, तो ही वाज वेरी इन्वॉल्व। यस, मुझे भी उसके बारे में जितना भी मैंने देखे हैं मुझे हमेशा लगता था, अभी लग रहा है एक्चुअली, ऐसे होनहार बच्चा वैसे चले जाने से यही होता है कि आप पूरे दुनिया को और भारत के कोने कोने से जो महाराष्ट्र में आते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, और बड़े केपेबल जो लोग होते हैं जिनका एस्पिरेशन होता है और वो एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए नंबर्स भी गिन के रखते हैं कि कितने नंबर के ड्रीम हमने खत्म किए पूरे किए हैं। सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं उतनी, ना ही अंग्रेजी ना ही हिंदी अच्छी है, मैं तो बंगालन हूँ, बचपन से यहीं पर पली बड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जो अपने सपनों को एक लिस्ट बना के वो एक नंबर्स के साथ जोड़ के उसको प्रायोरिटाइज करते थे कि अभी मुझे बेडरूम को सजाना है
या मुझे एक टेलीस्कोप खरीदना है। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी ढूंढते 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 मुझे ये लगा कि he had his priorities straight, don't you think so? Of course, बड़ा पर्टिकुलर इंसान था, and obviously जैसे आपने कहा कि you know someone who's so well read, someone who has dreams, aspirations, in fact वो मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि भले ही पहला इंटरव्यू हो या तीसरा या चौथा हो या पांचवा हो, मुझे कभी लगा नहीं कि वो स्टार है। इनफैक्ट वो ऐसा इंसान था, जब आता था स्टूडियो में सिक्योरिटी गार्ड से बोलता था, अरे भाई कैसा है तू यार, यू नो कोई भी हो मिलता था, पर्टिकुलर इफ यू वुड वॉक बाय समवन ऑन द टेबल जो लैपटॉप पे था, रुक के वापस जाके बोलता था, अरे यार ये पावर पॉइंट तुमको यूज करना चाहिए, यू नो दैट मीन्स लोगों पर ध्यान देना उसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, विच मीन्स Human connect was very strong. मुझे वही लगा उसके हर एक जो live shows मैंने उसके देखे हैं, clips बहुत सारे देखे हैं, मैं तो हर दिन हर रात वही देख रही हूँ। मुझे मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट का जो खूबिया होता है वो है उनके ऑब्जर्वेशन पावर। तो उसका ऑब्जर्वेशन पावर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा उसके हर एक पर्सनल या जो लाइव शोज होते थे या रिहर्सल्स होते थे या जहाँ पे कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके भी वीडियोस बनते थे, तो बहुत सारे उस पर वो गौर करते थे। देखो दो किस्म के लोग अपने वीडियो बनाते रहते हर काम के, एक है ये मेरा मुझे लगा जैसे मैं भी ऐसे करती रहती हूँ, अपना काम फिर से देखती रहती हूँ, पांच बार देखती रहती हूँ, बिकॉज आई वॉज नेवर हैप्पी विथ माई वर्क। मुझे हमेशा लगता है कि यार इसको ऐसा होता, यार इसको ऐसा होता, इसको और बेटर हो सकता था। तो मुझे लगा हमेशा कि उसके वीडियोस देख के कि उसने जो वीडियोस छोड़े भी हैं, रिलीज भी कर दिए हैं, उस वीडियोस भी ऐसे मूवमेंट भी है जहां उन्होंने स्लिप किया है, जहां उन्होंने एक स्टेप लॉस किया है या एक एक्शन उसने मिस किया है, फिर भी उसने वो वीडियो को रखा है। इसलिए रखा है मुझे लगता है कि he was used to make all those videos and all, probably his friends and his team and all, ताकि वो दोबारा देखे, बार बार देखे, बार बार देखे। It is not only for promotion, probably it was also for him to check the points of improvement, कहाँ improve कर सकते। और ऐसा ऐसा इंसान अगर हमको यकीन करना पड़े, अगर हमको पहले से ही कहा दिया जाता है कि वो डिप्रेस था इसलिए सुसाइड किया इन 10 minutes ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस कम्स एंड सेज के ये तो डिप्रेस था इसलिए सुसाइड था। सो देखो हम सुशांत सिंह राजपूत के नाम लेते तो ये सुसाइड बोले जाते। मैंने कैटेगरिकली सुशांत सिंह राजपूत के नाम लेते वक्त सुसाइड वर्ड को इससे दूर हटा दिए हैं। मुझे यकीन नहीं है उसने सुसाइड कर सकता है, क्या नहीं उसने। मैम आप एक जानी मानी पॉलिटिशियन हैं, आप अपना आवाज रेज करती है जो आप बिलीव करती हैं, यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, तो आप इसके बारे में और क्या कर रही हैं टू इंश्योर जो आपको लगता है जजमेंट उस मुकाम तक जाए। देखिए हम जो सोशल मीडिया में जुड़े हैं वो जुड़े हैं उनके फैंस के साथ। अगर ये किसी को लगता है कि ये पहल है या मूव है या कोई मुहिम है, कौन सा वर्ड सही बैठेगा आप लोग जानेंगे बेटर, आई एम नॉट अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन, लेकिन जो भी ये मूवमेंट आप जो भी नाम उसको देना चाहते हो, इसके मूवमेंट शुरू किया उसके फैंस ने, तो इनके साथ हम जुड़े हैं और यही हैसियत से जुड़े हैं। अब मैंने आई कैन अश्योर यू दैट आई हैव नॉट कनेक्टेड टू दिस होल मूवमेंट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट यस वो मेरे पीछे हैं, उसको मैं बहुत सम्मान के साथ, ये मेरा पद को मैं सम्मान के साथ देखती हूँ, बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, बहुत लोगों की मदद करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। पॉलिटिकल एंटिटी होने के नाते इसमें मैं ज्वाइन नहीं किया, अगर मैं पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होती तो भी शायद इसे मैं आज के तारीख में मैं लड़ जाती। और मैं जो हर ट्वीट में, हर सोशल मीडिया में जहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फेसबुक में, उसमें मैं @NarendraModiji कर रही हूँ या @HomeMinister कर रही हूँ, एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी को
हर एक में एट द रेट करके उनको जुड़ती थी, जुड़ती हूँ अभी भी हर हर दिन। आप ये मैं जानती हुए कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये लोग सीबीआई के लिए ऑर्डर नहीं दे सकेंगे। नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट बुला सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, आप हाईकोर्ट में कोई अपील करें तब हो सकता है अगर हाईकोर्ट ऑर्डर करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील करे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे और सीधा प्रोसेस है चीफ मिनिस्टर उसको सीबीआई की तरफ दे दे। तो मैंने धीरे 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 मैंने सीएम महाराष्ट्र को भी जोड़ा है, होम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखा है, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखा है, लेकिन वो चिट्ठी मैंने पब्लिक नहीं किया है। अगर कभी लगे तो मैं पब्लिक कर दूंगी। मैंने मुझे सीबीआई को भी लिखना है और मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को भी लिखूंगी। मैम आपने कुछ पॉइंट्स बताए जो आपको ठीक नहीं लगा था, जिससे आपको लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुइसाइड नहीं किया, और कोई पॉइंट्स आपके जहन में आता है जो आपको लगता है ये क्लियरली बोलता है कि उन्होंने सुइसाइड नहीं किया? आर देयर मोर पॉइंट्स दैट कम टू यू? देयर आर एक्चुअली मेनी, नो नॉट जस्ट वन। कीज इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, टाइम ऑफ डेथ इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। इतने बड़े तगड़ा बंदा एंड वर्कआउट करने वाला बंदा एंड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग गाय, इस तरह से हैंग करेंगे अपने आप को तो कौन से मटेरियल से किए, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग व्यूज कभी किसी न्यूज़पेपर में आ रहे कि वो एक कपड़ा है, उसका ड्रेस है, कभी बोल रहे कोई दुपट्टा है। और पुलिस जो दो मिनट में या दस मिनट में जाके कह के चले गए इट्स एन एक्सीडेंटल डेथ, पुलिस को ऐसे इंसिडेंट पर इतना लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए था कि वो तुरंत एक वर्डिक्ट दे के चले जाए बिफोर इवन स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन जहां फॉरेंसिक मतलब एक दिन बाद आता है। ऐसे में लगता है कि इट इज प्री डिसाइडेड, इट इज उनको देख के लग गया कि इसमें शक है। मैं ये नहीं कह सकती कि पुलिस को पता था ये सब होने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस वहां पहुंचने के बाद जिस तुरंत और जिस जिस स्पीडनेस के साथ इसको उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करना था उस तरह से उन्होंने शुरू नहीं किया। आई सॉ वन स्मॉल लिटिल वीडियो क्लिप ऑन ऑल द चैनल्स व्हिच दे वर शोइंग ऑन दैट वेरी डे, एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि सुसाइड नोट मिला का, सुसाइड नोट मिला का, मिला क्या? एंड ही इज सेइंग द ऑफिसर इज सेइंग नो नो नो, बाद में बताते। सो विदाउट गेटिंग अ सुसाइड नोट यू जस्ट से दैट इट्स अ सुसाइड। द अमटीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैं और आपके पास लाती हूँ। उसके गले का मार्क जो था, उस गले के मार्क के फोटोग्राफ्स इतनी जल्दबाजी के साथ पुलिस ने सोशल मीडिया से उठा क्यों लिया? क्या होता अगर अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग लोग इस पर रिसर्च करते हैं, क्या होता? आई हैव दैट, आई वॉच इट मोर ऑर लेस एवरी डे टू बी वेरी श्योर। तो जिन लोगों ने वहां उसके लेटे हुए फोटो लिए हैं, उन लोगों ने उसके ऐसे ऊपर लेट ऊपर रहे हुए फोटो लिए हैं क्या? वो कहाँ है? वो भी रिलीज कर दे। तीसरा लॉक तोड़ने का एकदम लॉकस्मिथ का स्टोरी तो इतना मतलब इतना थर्ड क्लास मर्डर मिस्ट्री के स्क्रिप्ट है कि मैं क्या बताऊं। एकदम मतलब बहुत बिलो ग्रेड। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं, बड़े लोगों के बीच में स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो थोड़े से अच्छे स्क्रिप्ट लिखे। वो मुझे स्क्रिप्टेड लगा और बहुत ही खराब किस्म का स्क्रिप्ट लगा। कहीं भी कुछ भी सबूत बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। पहली बात आप ऐसे ले जाते हो, उसके बाद दूसरे दिन आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजते हो, ये कैसे हो सकता है? उसको सील कर देना चाहिए, उसके सारे डिवाइसेस को उठा लेना चाहिए था। मैं आपको ये भी बताऊं, आप जानते हैं सभी लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम खोला इसीलिए, मतलब इंस्टाग्राम में अकाउंट खोला इसीलिए ताकि मैं सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो कर सकूं और सचमुच जो फैल रहे थे मार्केट में कि उसके द पीपल हुम ही वाज फॉलोइंग उसके नंबर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। कोई बोल रहा था कि मैंने जो रिप्लाई किया था वो मेरे रिप्लाई में दिख नहीं रहा है, क्या क्या है। सो आई ओपन्ड एन अकाउंट देयर एंड आई एक्चुअली माई सेल्फ हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स इन वी आवर्स ऑफ द
टाइम मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कभी बीच रात को मैं 3-3 बजे तक जगे रहती हूँ, आप मेरा ट्वीट देखेंगे आपको पता चलेगा, सुबह से ट्वीट करने शुरू करती हूँ, फेसबुक करने शुरू करती हूँ, आप देख जाएंगे ये जब तक ये घटना घटे तब से मैं बस पहला 1-2 दिन सो गई थी, उसके बाद से मैं 3 बजे तक जागती हूँ मोर और लेस एवरी नाइट। तो अब देखो वो नंबर्स का स्क्रीनशॉट मेरे पास है, अजीब पर्टिकुलर टाइम में घटता है, घटता है, बढ़ता है, बैलेंस होता रहता है। तो किसको ऐड किया जा रहा है, किसको निकाला जा रहा है, कौन से सबूत निकाले जा रहे हैं, कौन से मटेरियल सबूत के तौर पे घुसाए जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस, इतने होनहार पुलिस अथॉरिटी, वो सारे चीज लेने के बावजूद ये अकाउंट्स सील क्यों नहीं किए, कोई ऑपरेट कर ना सके। मेरे जैसे इंसान जो इतनी उम्र की, आई एम 55 टुडे, मैं कुछ छोटा मोटा, मैं आप लोग जैसे टेक्नोलॉजी के साथ इतना तो जुड़ी नहीं हुई, लेकिन हम लोग तो हमारे जमाने से एटीएम वगैरह कर रहे हैं, 20-25 साल 30 साल तो हो गया है, हो रहा है मोर और लेस। जब से इस देश में अच्छे लैपटॉप आए नहीं थे तब से मैं लैपटॉप अमेरिका से खुद लेके खरीद के लेके आती थी, अब ए स्टैंडर्ड। और हम लोग का क्या था तब, क्लाउड का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता था, हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग सारी चीज मी टू मी करके ईमेल किया करते थे, सो फ्रॉम एवरीवेयर वी कुड एक्सेस आवर ईमेल। तो ये सब करने के बाद भी मुझे सवाल आ रहा है, सीधा सवाल है मेरा कि ये आप कोई भी उसके डिवाइस से या कंप्यूटर से लॉग इन कर लो, आपको नहीं पता कौन, पता चलेगा कौन कौन एडमिन है उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में से, हु आर द एडमिन्स, एडमिन्स को निकाले क्यों नहीं, एडमिन्स को निकाले क्यों नहीं, प्राइवेसी सेटिंग में सारे डिवाइसेस को बंद क्यों नहीं कर दिए हैं, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस क्यों नहीं किए। तो सीधी बात है, आपके जरिए मैं पुलिस को पूछ रही हूँ, मुंबई पुलिस को पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस को बंद करना या इस तरह से जो भी हम बता रहे हैं उसको नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो ये टैम्परिंग कौन कर रहे हैं। लेकिन आपके जरिए मैं पुलिस को भी मांग रही हूँ, पुलिस के पास भी ये सवाल है मेरा। मैम ये कह रहा हूं मैं, फिर आपको, आपके अनुसार कौन ये षड्यंत्र रच रहा है, आपको लगता है इज इट बिकॉज वो आउटसाइडर इनसाइडर वाले जो टॉपिक्स आ रहे हैं, डिबेट्स आ रहे हैं, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? देखो मैं ये बताना जरूर चाहूंगी कि पहला दिन मुझे लगा था शायद सुसाइड है, मैं नहीं जानती थी ना। आफ्टर कंगना रेज दैट पॉइंट, मुझे हर चीज को दोबारा देखने के लिए मजबूर कर दिया कंगना ने, वो भी एक छोटी बच्ची है, लड़की है, बहुत ब्रेव है। I've become a fan of hers. She's a very talented actress, but इतनी हिम्मत से वो हर बात उठाती है। कंगना रनावत के बाद से मुझे ये लगा कि यार ये तो सच उठा रही है बात, तो मैंने गौर करना शुरू किया। तो आप मुझे बताओ, ये इनसाइडर आउटसाइडर हमेशा था, रहेगा, नेपोटिज्म एक हद तक हमेशा था, रहेगा, फेवरेटिज्म कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि जिन पिता ने और माता जी ने अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, खुद को बड़ा किया है, वो अपने बच्चे को थोड़ा सा मदद तो करेगा ही करेगा, दिस इज नॉर्मल, क्यों नहीं मदद करेंगे, ऑफ कोर्स मदद करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे नहीं यार मेरा बेटा फेमस है आप उसको मत लो, ऐसा तो नहीं होगा, जरूर किसी को बोलेंगे मेरा बेटा देखो ना वो अच्छा मौका दो। कुछ लोग उनको फेवर करने के लिए, उनके पिता माता जी को फेवर करने के लिए, बड़े हाउसेस को फेवर करने के लिए उनके बच्चे को मौका देंगे, जिनको मौका मिलेगा जिनमें पार्ट्स है वो निकल जाएंगे, शाइन कर जाएंगे, जिनमें पार्ट्स नहीं है उनको 3-4 बार मौका मिलते जाएंगे, दैट इज नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है, इसके लिए किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि ये दुनिया में हर जगह पे चलता है, सोसाइटी में हर जगह पे है वो, लेकिन आप किस हद तक इसको करोगे, आप कितने हद तक विंडिक्टिव बनोगे, आप दोस्तों को बोल बोल के, अपने ग्रुप्स को बोल बोल के, एक प्रोडक्शन हाउस से उसको काम अटका देना, दूसरे प्रोडक्शन हाउस में कोई अवार्ड फंक्शन में उसको अपमान करना, तीसरे किसी आर्टिस्ट से उसको एक वो क्या नाम है उसका, वो नाम अभी आजकल लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, विद कॉफी जो आता है ना उस आदमी का, वो एक शो में बुलाना, किसको बुला के सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल करके उसके रिएक्शंस मैंने देखा है, सब चीज बहुत गौर किया है, ये पूरे प्लान तरीके से चल रहा था। मैं यही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनमें से सारे लोग, महेश भट्ट जी, महेश भट्ट एंड फैमिली, मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं जानती लेकिन भट्ट साहब के बारे में तो मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ सलमान खान जी के हर किस्म के काम के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी
जानकारी रखती हूँ। मैं वैसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी रखती हूँ, वहां पे किस तरह से नए बच्चों को, नए यंगस्टर्स को आने के बाद किस तरह से कमरे में घुसा दिया जाता है, किस तरह से हाउस पार्टीज की जाती है, किस तरह से उनको हर किस्म के नशा में धुत करने का पूरा मैकेनिज्म चलता है। कितने बच्चे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जमाने से, हमारे से छोटे छोटे भी मैंने देखा है, कितने लोग नशे के काबू में आ गया है। वो एक बहुत बड़ा सा रैकेट चलता है। वो दो तीन किस्म का अलग अलग टीम प्लान करके सुशांत के साथ ऐसा किया है, और मुझे लगता है इस वक्त किए हैं ताकि उसके फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस में से अगर वो खुद प्रोडक्शन करने लग जाए तो उसको और रोकने का कहीं किसी तरह से कोई कुछ नहीं कर सकेगा। शायद यही एक मौका उनके पास था, उनको लगा कि दिस इज द टाइम, अब होगा तो नहीं कब नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये लड़का जिस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, जिस तरह अपने आप को आगे ले जा रहे, जितने एम्बिशियस, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने प्रेजेंटेबिलिटी है, जितनी ह्यूमिलिटी है, ये सब के साथ ये लड़का अगर प्रोडक्शन अपना चालू कर देगा तो उसका 10 साल कोई उसके पास खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ही वॉज गिविंग अ बिग कॉम्पिटिशन टू बिग पीपल इन दिस इंडस्ट्री। एंड एक और चीज मुझे लगा, वो चमचाबाजी, शायद वो ह्यूमिलिटी एक चीज है। बहुत सारे लोगों को शायद लगा होगा कि वो ह्यूमिलिटी है बच्चे में तो शायद मेरे पैर पड़ जाएंगे, लेकिन ह्यूमिलिटी और चमचेबाजी में फर्क होता है। ह्यूमिलिटी इंसान के अपने पिताजी माताजी से सीख के आते हैं, वो ह्यूमिलिटी होता है। उसके लिए आप बहुत बार नमस्ते करते हो, उसके लिए आप नमस्ते ऐसे नहीं करके भी, ऐसे भी नमस्ते करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैर पड़ जाते हो। ये हर गलत आपके ऑफर्स के आप हाँ बोल देते हो, तो शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो उन लोगों को बहुत अपमान दिया है और लड़का आगे बढ़े जा रहा है। आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी सुसाइड। आई बिलीव इट्स अ मर्डर, आई बिलीव इट्स अ प्री प्लान्ड मर्डर, आई बिलीव इट इज अ प्री प्लान्ड मर्डर। ये सुसाइड नहीं है।